हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रसिद्ध मूर्तिकार डीपी रॉय चौधरी जी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी आर्ट रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। इनका जो जन्म है वो 15 जून 1899 में हुआ, तेजहट रंगपुर जिला वेस्ट बंगाल। मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1975 में हुई मद्रास में। ये जो है वो चित्रकार, मूर्तिकार और शिक्षक थे। इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें मिली है वो मिली है मूर्तिकार में। इनके शैली की हम बात करें तो ये प्रभाववादी शैली इनकी थी। अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की। 1914 में इन्होंने अपनी पहली पेंटिंग की शिक्षा प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में ली थी। उसके बाद इन्होंने बोइस नामक एक इतावली चित्रकार थे, उनसे इन्होंने पश्चिमी शैली, जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ से इन्होंने जीवन चित्रण और चित्रांकन के बारे में शिक्षा ग्रहण की। यानी कि इन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर है वह उस शैली में भी इन्होंने शिक्षण कार्य जो सॉरी चित्रण कार्य जो है वो सीखा था। एक इतावली चित्रकार थे, उनसे बोइस नाम था उनका। इसके बाद इनके अगर हम गुरु की बात करें तो इनके गुरु में जो नाम आता है वो आता है हीरो मुनि का नाम आता है। इसके बाद हिरणमय या फिर हीरो मुनि, देखिए कई जगह पर इनका जो नाम है इनके गुरु का वो हिरणमय देखने को मिलता है और किसी किसी जगह पर इनका नाम हीरो मुनि भी देखने को मिलता है। तो एग्ज़ाम में दोनों में से जो भी हो आप लगा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हिरणमय चौधरी के मार्गदर्शन में मूर्तिकला का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था, जिन्होंने उन्हें आकृतियों को तराशने के बजाय निर्माण करना सिखाया था। ठीक है, तो मूर्तिकला का जो प्रशिक्षण है, जो मूर्तिकला इन्होंने सीखी वो सीखी थी इन्होंने हीरो मुनि से। उसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट से भी ये संबंधित थे। उन्होंने 1929 से 1975 मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने जो अपनी सेवाएं हैं वो दी थी। उसके बाद 1954 में ललित कला अकादमी दिल्ली के ये चेयरमैन चुने गए थे और 1955 में टोक्यो में यूनेस्को द्वारा एक कला गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ये प्रेसिडेंट वहाँ पर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व की बात थी। तो उसके बाद बात करते हैं इनके पुरस्कार की। तो इन्होंने जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया 1958 में, ललित कला अकादमी के फेलो 1962। इनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1993 में कोलकाता में हुई थी, जिसके बाद भारत में कई प्रदर्शनियां हुई जिनमें बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कोलकाता जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी दिल्ली और ललित कला अकादमी नई दिल्ली ये शामिल है। तो इन जगहों पर जो है इनकी प्रदर्शनी लगी थी। उनकी विशेषज्ञता मूर्ति को तराशने के बजाय उसको ढालने में थी। यह फ्रांसीसी मूर्तिकार ऑगस्ते रोडिन के कार्यों से प्रभावित थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि ये इनकी मूर्तिकला पर किसका सॉरी ये किससे प्रभावित थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं किसी भी कलाकार के बारे में, जब वो स्पेशली किसी दूसरे कलाकार से प्रभावित होते हैं, उनके गुरु होते हैं, ठीक है, किसी के काम से इंस्पायर होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम डीपी राय चौधरी की बात करें तो वो ऑगस्ते रोडिन जो मूर्तिकार थे फ्रांस के, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। कोलकाता में अपने शुरुआती दिनों के दौरान उन्होंने सर जेसी बोस, पर्सी ब्राउन और मिसेस ब्राउन की प्रतिमाएं उन्होंने बनाई थी। इन्होंने जो है व्यक्ति चित्रण काफ़ी किया था। चेन्नई में रहते हुए उन्होंने सी वी कुमार स्वामी शास्त्री जो मुख्य न्यायाधीश, लॉर्ड एस्क्रेन, जॉर्ज स्टैनली, सी पी रामास्वामी अय्यर, सी आर रेड्डी, सी अब्दुल हकीम आदि कुछ नाम हैं जिनके इन्होंने जो है वो मूर्तियां बनाई थी। तस्वीरों से बनाए गए चित्रों में इन्होंने एनी बेसेंट, आशुतोष मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। ठीक है, तो ये इन्होंने इनकी कुछ तस्वीरें बनाई थी, यानी चित्र बनाए थे, और ये जो हैं ये इन्होंने इनकी मूर्तियाँ जो है वो तैयार की थी। उसके बाद देखिए इनके जो मीडियम हैं,
डीपी रॉय चौधरी ने टेम्परा, तेल, जल रंग और पेस्टल जैसे मीडियम में के साथ काम किया था। 1930 के दशक में पश्चिमी कला समीक्षकों ने उन्हें तेल माध्यम में उनके कार्य के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन चित्रकारों में से एक माना है। तो मीडियम जरूर याद रखिएगा, किस कलाकार ने किस मीडियम में सबसे ज़्यादा काम किया, जैसे ग्रीन एंड गोल्ड, ठीक है। जो ये जो है वो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन में प्रदर्शित है। आफ्टर द स्टॉर्म जापानी वॉश टेक्निक पर आधारित है। निर्वाण, ब्रिज, द प्लेस ऑफ डॉल, पूजा हाउस, जुलूस, अभिसारिका, तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। और अभिसारिका के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, दुर्गा पूजा और अभिसारिका, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और आगे भी ये महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इनको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए इनके कुछ जो महत्वपूर्ण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है श्रम की विजय, ठीक है, तो ये है लेबर स्टैचू है मरीन बीच चेन्नई पर, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, मजदूरों को दिखाया गया है। और इनके आप एक्सप्रेशन देखिए, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, एक एक यहाँ पर आपको बोन दिखाई देगी, बिल्कुल बारीकी के साथ यहाँ पर काम किया गया है। ये जो मूर्ति है वो मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एक बार ड्रिट पलेसपी में पूछा गया था कि जो ट्रम्प ऑफ लेबर है वो कहाँ पर स्थित है, तो डायरेक्ट बस ये क्वेश्चन आया था। 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसे स्थापित किया गया था। यह प्रतिमा जो है वो मजदूर वर्ग के परिश्रम और संघर्ष को दिखाती है। 1959 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह जो मूर्ति है इसे भारतीय डाक टिकट पर भी इसे प्रदर्शित किया गया था या प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद आ जाता है शहीद स्मारक, तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें जो है वो आपको 7 स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है वो एक यहाँ पर फ्लैग लेकर चल रहे हैं और कुछ उनके पीछे चल रहे हैं, ठीक है, 6 जो है वो उनके पीछे चल रहे हैं, जिनमें से कुछ आप देखोगे कि गिर भी रहे हैं, ठीक है, किसी को गिरते हुए, 3 को खड़े हुए बनाया गया है, 3 को यहाँ पर गिरते हुए बनाया गया है। तो यहाँ क्या हुआ था, ये स्टूडेंट थे सारे ही, ठीक है, ये 7 जो है वो स्टूडेंट थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की ये तस्वीर है। चलो इसकी स्टोरी अभी देखते हैं, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सेम है इसे जो भारत डाक टिकट है उसके ऊपर ये जारी की गई थी, ठीक है। अब देखिए भारत के 1967 के डाक टिकट पर शहीद स्मारक ये की गई थी, इसे आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। इसका सन 1967 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, अगस्त 1942 में ये हुआ था। उसकी रजत जयंती मनाने के लिए शहीद स्मारक भी भारतीय डाक टिकट पर दिखाया गया। इसमें हमें जो है वो 7 आकृतियां देखने को मिलती हैं। पहली आकृति जो कि झंडा लिए हुए है मंजिल की ओर इशारा कर रही है, पीछे की आकृतियां गिरती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर यह मूर्ति जो है वो अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को बयान करती है। इसका अनावरण 1956 में किया गया था और यह जो मूर्ति है वो पटना में सचिवालय भवन के बाहर स्थित है। तो हुआ ये था कि जो गणतंत्र दिवस है उससे थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले स्टूडेंट जो है वहाँ पर झंडा के पता नहीं मतलब ऐसा कुछ करने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने इनके ऊपर गोलियाँ चला दी थी, ठीक है, तो उसमें ये सारे मारे गए थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और ये स्टूडेंट थे, 7 के 7 जो है वो स्टूडेंट थे, और इनका जो नाम है वो इसके नीचे भी खुदा हुआ है, ठीक है। तो उसी के फिर प्रतीकात्मक रूप में इन्हें डीपी राय चौधरी ने बनाया था ये स्मारक जो है। ये फोटो नहीं है, ठीक है, ये तो अभी हमने देखा वही है। अच्छा ये फोटो गलत लग गया है, अभी शहीद
स्वतंत्र वो शहीद स्मारक का ये स्वतंत्रता स्मारक है, इसकी फोटो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये स्मारक जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसमें 11 आकृतियाँ बनी हुई है, इसे 11 आकृतियाँ या ऐसा कुछ भी बोलते हैं। यह सरदार पटेल मार्ग स्थित मार्ग दिल्ली पर स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। डीपी राय चौधरी के कुछ अन्य चित्र हम देखते हैं, जैसे कि भूतिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की बहुत फेमस है, यात्री, पुजारिन, खतरनाक मार्ग, शहीद स्मृति, तूफान के बाद। उसके बाद है पुल, दुर्गा पूजा शोभा यात्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रीन एंड गोल्ड इम्पोर्टेंट, ठीक है, कौतूहल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन, पशु अध्ययन, आरती, हरा और सुवर्ण, अगेन अभिसारिका मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रम की विजय, ये भी डिटेल पैलेस में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद है एक कैदी, रासलीला और टोपी। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। अब देख लेते हैं इनके कुछ आर्टवर्क। तो देखिए, ये जो अभी हमने देखा 11 मूर्ति स्टेचू के, ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 फिगर यहाँ पे दिखाए गए हैं। अच्छा, एक मूर्ति यहाँ पर कट गई है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रम्प ऑफ लेबर, ये हम देख चुके हैं, ये इन्होंने एक पोर्ट्रेट टाइप बनाया था, ठीक है। तो ये सभी जो है वो गांधी सॉरी डीपी राय चौधरी के जो है आर्टवर्क है। महात्मा गांधी स्टैचू मरीना बीच चेन्नई, ये भी इनके द्वारा बनाए गए हैं। इन्होंने जो है कई अलग अलग मीडियम में भी काम किया था, वैन विंटर कैम, विक्टिम ऑफ हंगर, ब्रॉन्ज में ये बना हुआ है, स्वतंत्रता स्मारक नई दिल्ली में ये स्थित है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये उसी का मतलब सीन बनाया हुआ है ना, ये डाक टिकट पर 1967 में इसे जारी किया गया था। महात्मा गांधी का, ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस इनके कुछ आर्टवर्क हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और चैनल पर बने रहें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।